अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सब लोग ठीक ठाक करिए? सब लोग ठीक हैं? ज़बरदस्त यार, बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि अवतार भाई को करें, तो अवतार भाई का क्लिप देखते हैं साथ मिलके। मैंने एक क्लिप देखा नहीं, आप लोगों के साथ ही देखूंगा, साथ मिलके देखते हैं और इस क्लिप के बारे में कुछ बातें करते हैं। चलें क्लिप देखते हैं। माइक बंद हो गया जी इस लोकेशन पर आकर। ये एक लोकेशन है दोस्तों, माइक बंद हो गया। स्टोरी बता दूं सबसे पहले आपको, ठीक है? यहाँ पर दोस्तों भूचाल आया जी, ठीक है? और लगभग यहाँ पे पंचायत हो रही थी, लगभग 70-80 बंदे दबकर मर गए हैं जी। पता नहीं कैसे उनकी डेथ हुई है, कैसे मौत हुई है। नहीं यार, ये लोकेशन दोस्तों मुझे बता दिया गया जी, जिसने मुझे यहाँ पे बुलाया कि भाई आपकी मौत हो सकती है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत ये रिस्क वाली लोकेशन है। ठीक है, ठीक है। दब के मर गए, मतलब क्या कोई अर्थक्वेक आया था, क्या हुआ था? और क्या उनकी बॉडीज यहीं पे दफन है? ये नहीं बताया। नहीं खैर, आप तो शायद क्रिमेट करते हैं, जला देते हैं या दफन करते हैं, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, वेरी स्ट्रेंज स्टोरी। ज़्यादा मैं तो भी नहीं कर पाया कैमरे के सामने आके, क्योंकि यहाँ पे मेरे आने से पहले ही एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी। ओह ठीक अच्छा। है, ये लोकेशन है दोस्तों, अब मैं अंदर इनको करने वाला हूँ। ठीक है, कुछ जूम किया है। शिट, ओए सामने ये गेट यार, बंद ये हुआ है, बंद हुआ है, सामने गेट बंद हुआ है, वो देखो जी, ये दरवाजा देखिए बंद जी, हुआ है। हाँ, सामने गेट बंद हुआ है, गेट बंद हुआ है, गेट बंद हुआ है, गेट है या कोई कमरे का दरवाजा है? ये गेट बंद हुआ है, ये मूव हो रहा है, हैंडल मूव हो रहा है, हाँ, एक अभी भी हैंडल मूव हो रहा है इसका। कुंडी कुंडी तो नहीं, चेन भी हिल रही है। खैर, नज़र आया कैमरे में। ये अच्छा, बिल्कुल अभी बंद देखें हो कोई गया इसका, एग्जिट रूट्स तो नहीं है। वेरी गुड यार, कोई भी नहीं है। ये सामने है आई गेस, यहाँ से कोई निकल सकता है, लेकिन इसको साबित करना इम्पॉसिबल। अब पीछे आप कैमरा लगा सकते थे। अच्छा, इंट्रो अब आई गेस। हाउलिंग शुरू होगी कुत्तों की। बाहर जा रही है? कहाँ से आ रही है आवाज? ये कमरे में से आ रही, कमरे में से तो नहीं आ रही, बाहर से ही आ सकती है। ओए, तो लोगों की आवाज है यार। यार आई डोंट नो, जो लोग वो कह रहे हैं ना यार, दबके मरे थे, उनके चीखने चिल्लाने की आवाज पास्ट में से अब आ रही है। आगे देखते हैं। आवाज आ रही है तू यार, ये आवाज कोई चुरा पड़ा हो रही है यार, ये आवाज कहां से आ रही है यार? आप आवाज कहां से आ रही है? ईवीपी वगैरह क्यों नहीं लेकर आते? ओ फौरन दिखाएं अंदर, जल्दी जल्दी जल्दी। और यार टू लेट, टू लेट अवतार भाई, टू लेट। फोन साइलेंट करना भूल गया मैं। अंदर जाके दिखाते यार, अच्छा एविडेंस होता ना। कौन है अंदर? अंदर कौन है दोस्तों? इतनी हीट मैंने आज तक फील नहीं किया जितनी
अंदर से मुझे फील हो रही है। टेम्परेचर गेज भी ले आया करें साथ, ईवीपी भी ले आए। एक ईवीपी, एक ईवीपी खरीद लें आप अवतार भाई, चाइना से मिलता है, सस्ता होता है यार बहुत, अली एक्सप्रेस से मिल जाएगा आपको, 5-10 पाउंड का भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। मेरे पास जब पड़ा है ना, मैंने वहीं से लिया था ईवीपी, वो आप ले लें, वो अपने साथ हमेशा कैरी किया करें, वो अच्छा एविडेंस हो सकता है, यू नो। जैसे कोई भागता है, ओए पत्थर आया यार ऊपर से। कहाँ से आया ये, कहाँ से आया ये, तो कोई कोई भाग रहा है यार। यार आप पीछे, इसके पीछे भी दिखाते ना क्या है, जगह है क्या है, खिड़की के पीछे क्या है। ये मुझे लग रहा है हिली हुई भी है, पहले ये इस तरह नहीं थी, ये इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। ये तो आपके फोन की आवाज थी यार, मोबाइल की नहीं थी। दोस्तों यहाँ पर लगभग 70-80 बंदे दबकर मरे हुए हैं इस लोकेशन पर। ये यार, अच्छा इधर ही दफन है। मैंने साइलेंट कर रखे, फिर भी आवाजें आ रही हैं इसके। यार मोबाइल बंद कर दिया करें ना, अपना ऑफ कर दिया करें, स्विच ऑफ कर दें टेम्परेरी जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। थोड़ी सी देखिए सामने आ सकते हैं बिना। ओ हाँ जल्दी अंदर दिखाएं, अफ्ताब भाई अंदर दिखाएं। दरवाजा मेरे को साइन मिल रहा है दोस्तों बार बार कि आप अंदर मत आए। गुड यार, वेरी गुड। खिड़की हिली है, सही सही, ये अच्छा था आपने फौरन दिखा दिया। थोड़ा ऊपर भी दिखाए थे दरवाजे के ऊपर, कैमरा आपका थोड़ा लो है एंगल, ऊपर भी दिखाए, छत पे से तो कोई चार नंबरी नहीं हो रही। हाँ गुड, छत पे उस तरफ से बाहर से होल भी है उधर, एक वो एग्जॉस्ट है मेरे ख्याल से। चलो गुड, आपने अच्छा किया यार, आपने दिखा दिया। देखिए मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाने आया। यार हम कैमरा रखते हैं, आवाज आ रही है पहले की नहीं आती। ओए गुड एविडेंस यार, ये फिर से देखें। गुड यार, कैमरे में आ गया, वेरी गुड। यहाँ मैं कह रहा था ना पहले, आप कुछ कैमरा शैमरा रख देते, पूरा खेत है यार, खुला मैदान है, कुछ नहीं। गुड गुड, ये अच्छा लगा मुझे, और भी कोई जाए पोल्टरगाइस एक्टिविटी हो जाए तो मजा आएगा। कोई यहाँ आगे नाश्ता करता है, आत्माएं तो नहीं हो सकती यार। ओए अबे यार ये हिला है, ओए जबरदस्त यार, ये पूरा फ्लिप हुआ है, ये देखें देखें फिर से देखें। हाँ ये फ्लिप हुआ है यार, वेरी गुड।
सेट जबरदस्त, फैन भी कर दिया, वेरी गुड। ये डब्बा ना वहाँ पे पड़ा था, वहाँ पे पड़ा था, ये डब्बा इधर आ गया, ये देखो। कौन है यहाँ पे दोस्तों? मेरे साथ कुछ भी हो सकता है यार। मेरा मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है। ये देखो कोई कंटिन्यू आवाज आ रही है, जैसे कुछ चल रहा है। अच्छा, हम कहते हैं ना आपका हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे, आपका मेरा मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में होता है वो मैं आपको जल्दी से समझा दूं। वो हम जिन्नात के लिए कहते हैं, क्योंकि जिनको आप काबू कर सकते हैं, उन पर पढ़ाई कर सकते हैं, उनको आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप आत्मा को क्या नुकसान पहुंचाएंगे यार, ये बात प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ख़ासकर जो इंडिया की हमारी टीम्स है, वो उन्होंने एक आई थिंक पाकिस्तानी टीम से बोरो कर लिया ये स्टेटमेंट कि हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए, मगर आपने कभी ये नहीं बताया कि आप क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं आत्माओं को। जो आप कहते हैं ना आत्माएं भटकती हैं इंसानों की मरने के बाद, तो उनको आप कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? जिन्नात का तो समझ आता है, राइट? आप उसे पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें काबू करना चाह रहे हैं, तो दायरा कड़ा जो कहते हैं, तो वो तो समझ आता है। आप जिन्नात को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इंसान नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन आत्मा को आप कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये ज़रूर कोई बताए यार मुझे कमेंट में, या वीडियो में, या अवतार भाई बताएं, या इंडिया की कोई भी टीम जो ये मानती है कि आत्माएं भटकती हैं, वो आप उन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? ओ गुड यार, बाहर जल्दी बाहर से दिखा दें और ऊपर से। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, ये भी कह सकते हैं यार कि इनके पास लकड़ी है लंबी सी, वो नीचे एक हाथ से पकड़ के ना डंडा मारते हैं और कैमरा अपना ऊपर रखते हैं ताकि लकड़ी फ्रेम में ना आए, और इस तरह वो हिलात एक्टिविटीज़ करते हैं। ये मैंने देखा है, कुछ रिव्यूअर्स ने ये बात कही है और साबित भी की है, तो उसका अच्छा एविडेंस अगर आपने साबित करना है कि आपने खुद नहीं किया, तो उसके लिए सेकेंड कैमरा होना ज़रूरी है, स्टैंड लोन कैमरा जो आपको भी रिकॉर्ड कर रहा हो साथ साथ, वो ज़रूरी होता है साबित करने के, वरना देर इज़ नो वे टू प्रूव, है ना, कि इनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई लकड़ी वकड़ी तो नहीं है जिससे ये खुद हिला रहे हैं। टांग भी मार देते हैं कुछ लोग साउंड। यार ये आवाज़ कैसी आ रही है? ये क्या? पता नहीं क्या है, थैलियाँ से लटके हुए हैं यहाँ पे, टांगे हुए हैं। खोल के देंगे अंदर क्या है? शायद कुछ सोना चांदी। मेरा मकसद आपको ये कौन है? मेरा मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है। देखिए, अगर आप यहाँ पे हैं तो अपना साइन दे कोई किसी भी प्रकार का। ओए गुड यार, गुड एविडेंस भाई, जबरदस्त। अंदर से दिखाना ज़रूरी होता है। आप कैमरा क्यों नहीं रख देते यार अंदर एक, जब आपको पता है मुस्तकिल यहाँ एक्टिविटी हो रही है, आप अंदर कैमरा रख दें, एक बड़ा अच्छा एविडेंस होगा ना, आप उसको ही उसको डिनाई नहीं कर सकते। कोई पत्थर, आई थिंक पत्थर की आवाज़ है। मैंने यह खिड़की पे लात मारी किसी ने। अंदर जाके साइन मांगता हूं, क्या पता कुछ रिकॉर्ड हो जाए। अब मुझे लग रहा है फिर आवाजें आएंगी। ये देखते हैं यार कुछ अच्छा एविडेंस। अवतार भाई का ये काम अच्छा है यार। ओए बाहर से आ बंदे खड़े। एक कैमरा होने का नुकसान यही है यार, कितनी आप इधर खड़े उधर एक्टिविटी हो गई, उधर खड़े इधर हो गई, रिकॉर्ड नहीं होती। हार्टबीट बढ़ गया। पत्थर पत्थर
यार आफ्ताब भाई गालियां अवॉइड करें यार, बच्चे भी देखते हैं आपकी वीडियोस। ब्लैक सा क्या है ये? इसमें क्या है? अटैक हो गया यार। भाई यार अंदर तू मैंने जैसे उस ब्लैक चीज को टच किया ना मुझे मार पड़नी। ओए पत्थर गुड यार, पैन कर दिया। बाहर से भी दिखा दें यार एक बार, पक्का कंफर्म कि कोई आपका अपना बंदा तो नहीं। वही सही बात थी, मेरी मौत हो सकती है यहाँ पर। ये कंफर्म कर दें यार कि कोई आपका बंदा रेशम भाई तो नहीं फेंक रहे पत्थर। ये अच्छा होता है कंफर्म। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं उस पर ब्लैक जो ब्लैक है ना उसको मैंने खोल के, किधर गई वो? गायब हो गई वो, गायब ब्लैक वाली किधर पड़ी है? एक मिनट इधर से नहीं दिख रही है, इधर से नहीं दिख रही है। ये तो नहीं आएगी, गिरी है। ओ नहीं, अच्छा उधर ही है ये। वो पड़ी है, वो पड़ी है। एक मिनट कैमरा, ये ब्लैक की कैमरा मैं सामने बोलता हूँ आपके, उसको वो चीज क्या है? पता नहीं क्या है यार, तावीज तो नहीं है कुछ, कपड़ा कुछ सैक वैक। कोई थैला है शॉपर, देखें क्या है अंदर। ओ पत्थर आ रहे हैं, काफी डेंजरस यार, आपके सर पे भी लग सकते। इसमें हड्डी, मेरे को हड्डी टाइप से लगा बचा। एक मिनट ये क्या है? ये हड्डी तो जिन खाते हैं यार। देखी जाएगी, मेरी मौत होती है तो हो जाए यार, वैसे भी क्या नहीं क्या है। ये क्या हुआ? ओए कोई आवाज आ रही है, किसी गुर्राने की आवाज है। पता नहीं यार, कुछ पता नहीं है, कोई नजर तो आ रहा नहीं है कुछ, तो कैसे कैसे हम बोलें। आई होप अवतार भाई आप ठीक हैं जी। कैसे लगा आपको क्लिप यार? कुछ एक्टिविटीज अच्छी रिकॉर्ड की थी उन्होंने, जैसे दरवाजे खोलना, पहले मुझे लगा यार अंदर नहीं जा रहे, दिखा रहा नहीं जा रहे, लेकिन दो तीन बार फ्रेम में आया वो रिकॉर्ड हो गया था, और पैन भी कर दिया अवतार भाई ने, तो वो अच्छा लगा मुझे, उन्होंने अच्छा दिखाया। आवाज़ें जो आ रही थी यार, वो जैसी कैमरा के सामने का फ्रंट शॉट लेते थे सेल्फी शॉट, तो वो आवाज़ें आती थी, मुझे ऐसा लगा यार कुछ रिकॉर्डिंग चल रही है, मुझे नहीं लगा कि वो नेचुरल साउंड था, कुछ आर्टिफिशियल सा था एडिट का, मुझे कुछ चक्कर लग रहा था। बुरा मत मानिएगा अवतार भाई, मुझे ऐसा लगा, हो सकता है मैं गलत हूँ। और छत पे से पत्थर आ रहे थे, इधर उधर से पत्थर आ रहे थे, वो भी अच्छा रिकॉर्ड किया आपने, कहाँ से आ रहे थे नहीं पता चला, आप पैन कर रहे थे वेरी गुड, लेकिन आप एरिया था उसके आसपास भी दिखाए थे यार जल्दी से ना, तो वो अच्छा एविडेंस होता। आखिर में कुछ इन पर अटैक हुआ है, वो उन्होंने जो ब्लैक बैग में कुछ खोला था उसके बाद अटैक हुआ है, किसी के गुर्राने की आवाज़ भी आई थी, तो आई सपोज कुछ वहाँ पे एंटिटी हो सकती जो जिसने उन पर अटैक कर दिया। तो इसके बाद मैंने, अगर आपने कोई वीडियो डाली है कुछ मैसेज अपने चैनल पे तो मैंने देखा नहीं, तो शायद आपने एक्सप्लेन किया होगा क्या हुआ था, या नेक्स्ट वीडियो में कर दें एक्सप्लेन। चलें आप लोग बताएं आपका क्या ख्याल था इस क्लिप के बारे में, और इंशाल्लाह आप मुझसे जल्द मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।